My dear students, welcome to all in this lecture. I will start problem based on cross product. Cross product पर आधारित जो भी होगा question, उसके संबंध में आज हम आप लोगों से discuss करेंगे. ये निकालना है find mod of vector A cross vector B का. निकालना है magnitude. कब? जब A और B दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू पहले इवैल्यूएट कर देंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो. हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या फॉर्मूला, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर की ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री क्या हो जाएगा जी, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के ए वन कितना है वन, ए टू माइनस सेवन ए हो गया सेवन, ओ कितना हो गया थ्री माइनस टू टू बराबर क्या कर देंगे, यह वेक्टर आई को बाहर करो ए साफ माइनस सेवन माइनस टू सेवन टू माइनस जे वन थ्री सेवन टू प्लस वेक्टर के वन थ्री माइनस सेवन माइनस टू ए हो जाएगा माइनस फोर्टीन, ए हो जाएगा माइनस फोर्टीन और ऐसे भी आप जानते हैं कि देखिए दो कॉलम या दो रो एक जैसा तो नहीं है लेकिन इतना आएगा माइनस फोर्टीन इतना माइनस जे ये हो जाएगा टू माइनस ट्वेंटी वन ये हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन ठीक है क्या हो जाएगा जी, माइनस फोर्टीन जोड़ फोर्टीन माइनस जी ये हो गया माइनस नाइनटीन सतिया इक्कीस ये हो जाएगा कितना जी, बोलो जीरो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस उन्नीस जी ये हो गया प्लस नाइनटीन के इजकल टू उन्नीस जे प्लस उन्नीस के इसीलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए गुने वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी, एक्स एक्स वार प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स किसको कहते हैं जो आई के पहले हो, आई तो है ही नहीं, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा उन्नीस का स्क्वायर, ये हो जाएगा उन्नीस का स्क्वायर, उन्नीस उन्नीस हैं लिख दो ना, दो उन्नीस के स्क्वायर उन्नीस रूट टू क्वेश्चन है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर को ज्ञात करें जिसकी क्या विशेषता हो भाई, कि यह दो दिए गए वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी पर वह परपेंडिकुलर हो. कब, जब ए और बी का मान इतना दिया हुआ है. पढ़े थे आप डेफिनेशन में क्रॉस प्रोडक्ट के,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू कैप एन। यहाँ कैप एन क्या है? कैप एन एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसी वही निकालना, वही फार्मूला का यूज करना है, कैप एन निकालना है। हो गई बात, क्या लिखेंगे? चूंकि वेक्टर ए बराबर, ऐसा भी लिखते हैं जी, थ्री आई प्लस टू जे प्लस टू के एंड वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई प्लस टू जे माइनस टू के माइनस टू के। हम बोले थे कि वेक्टर दोगे या इसके जगह पर ए दे दोगे, इसीलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जोड़ दो तीन एक या चार आई या फोर ये, बस टू टू साफ हो जाएगा। एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन बदल देंगे, ये हो जाएगा टू आई, ये साफ हो जाएगा प्लस फोर के, इसीलिए वेक्टर ए। अब दोनों का ए निकाल दो, वेक्टर ए प्लस बी गुने वेक्टर ए माइनस बी फोर आई प्लस फोर जे क्रॉस टू आई प्लस फोर के कितना हो जाएगा? चार दुनी आठ, आई क्रॉस आई चार चौके सोलह, आई क्रॉस के चार दुनी आठ, जे क्रॉस आई जे क्रॉस के आई जे के। क्या कहे थे कि डॉट प्रोडक्ट में सेम रहे तो वन, डिफरेंट रहे तो जीरो। इस क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहे तो जीरो, डिफरेंट रहे तो अगले के बराबर, यह जीरो। आई के माइनस जे आई क्रॉस के माइनस जे जोड़ जे क्रॉस आई, ये देखो जे क्रॉस आई माइनस के जे क्रॉस आई, ठीक जे क्रॉस के आई जे क्रॉस के आई क्या हो जाएगा? सोलह जे सीधे करके लिख दो इसको, आई है ये सोलह आई माइनस सोलह जे माइनस एट के अब क्या करेंगे? इसका मॉडुलस निकाल दो, मॉड ऑफ
वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जोड़ माइनस 16 का स्क्वायर जोड़ माइनस 8 का स्क्वायर, 16 16 दो 56 88 64 छः 12 4 16 के 6 भाग हो जाए 1 5 10 16 1 17 1 7 भाग 1 2 2 4 1 5 576 24 ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी कैप एन बराबर प्लस माइनस वेक्टर ए प्लस बी गुने वेक्टर ए माइनस बी बटे मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी गुने वेक्टर ए माइनस बी प्लस माइनस कितना आया देख लो, 16 आई 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के बटे कितना आई 24 या 8 दूनी 16 8 या 24 अलग अलग कर दो 2/3 आई 2/3 जी ये हो गया माइनस 8 या 24 1/3 के क्या हो जाएगा या प्लस माइनस 2/3 आई प्लस माइनस 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 प्लस 2/3 जे यह माइनस प्लस 1/3 के एक यूनिट वेक्टर है यह यूनिट वेक्टर जिसकी विशेषता है कि वह पाई बाय 3 बनाता है कैप आई के साथ, पाई बाय 4 बनाता है कैप जे के साथ, और एक्यूट एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल थीटा बनाता है कैप के साथ। तो थीटा कितना होगा और उस वेक्टर ए का कंपोनेंट्स कितना होगा यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लें, लेट वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ए वन बी वन सी वन मान लिया। अब क्या करें, चूंकि है कि आई यूनिट वेक्टर है इसलिए ए वन आई बी वन जे प्लस सी वन के यह यूनिट वेक्टर है। कितना हो जाएगा, वन अंडर रूट, वैल्यू भी निकाल दो, इतना क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ए वन स्क्वायर जोड़ बी वन स्क्वायर जोड़ सी वन स्क्वायर, यह ए वन स्क्वायर जोड़ बी वन स्क्वायर जोड़ सी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर बराबर वन।
Now, according to question, चूंकि वेक्टर ए डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा जी, मॉड ऑफ वेक्टर आई इंटू कॉस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भर दो यहाँ पर, यह ए वन आई डॉट या बी वन जे प्लस सी वन के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है जी, यूनिट वेक्टर है, क्या हो जाएगा ये तो जी, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन कॉस पाई बाई थ्री वन बाई टू, क्या हो जाएगा ए वन आई डॉट आई, सब बाकी सब जीरो हो जाएगा जी, बी वन जे डॉट आई, सी वन के डॉट आई बराबर वन बाई टू, ए वन इंटू वन, बी वन इंटू जीरो, सी वन इंटू जीरो बराबर वन बाई टू, ए वन बराबर वन बाई टू। फिर ये तो हो गया आई के साथ, अभी बनाता है पाई बाई फोर, वेक्टर ए डॉट जे इजकल टू कॉस थीटा, थीटा कितना एवरेज है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर मान निकालिए, अब ये कितना हो जाएगा ए वन आई बी वन जे सी वन के डॉट, इतना यह यूनिट वेक्टर वेक्टर है जी, वैल्यू कितना वन, ए भी वन, वन बाई रूट टू, क्या हो जाएगा जी ए वन आई डॉट जे बी वन जे डॉट जे सी वन के डॉट जे बराबर वन बाई रूट टू, ए वन इंटू जीरो, बी वन इंटू वन, सी वन इंटू जीरो वन बाई रूट टू, बी वन बराबर वन बाई रूट टू, ए वन निकल गया, बी वन निकल गया, अब क्या करोगे जी, वैल्यू भर दो फर्स्ट में, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट कितना है बराबर वैल्यू पुट करो, वन बाय टू का स्क्वायर, बी वन के जगह पर वन बाय रूट टू का स्क्वायर जोड़ सी वन स्क्वायर बराबर वन, वन बाय फोर वन बाय टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा फोर लघु उत्तर, वन प्लस टू थ्री बाई फोर प्लस सी वन स्क्वायर, वन स्क्वायर बराबर वन माइनस वन माइनस थ्री बाई फोर, ये हो गया वन बाई फोर, सी वन बराबर वन बाई टू। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर के इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा जी ए वन आई प्लस बी वन जे
ये हो गया वन, ये हो गया वन कॉस थीटा, वैल्यू भर दो कितना हो जाएगा जी, सी वन के ए वन बी वन जे डॉट के सी वन के डॉट के इक्वल टू कॉस थीटा। ये क्या हो गया जी, बी वन जीरो सी वन वन बराबर कॉस थीटा बराबर सी वन, सी वन है कितना जी, वन बाय टू जो कॉस सिक्सटी के बराबर है पाई बाय थ्री, थ्री बराबर पाई बाय थ्री। एंड वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस बी वन जे सी वन के इक्वल टू ए वन है वन बाय टू, बी वन है वन बाय रूट टू, सी वन है वन बाय टू, इसीलिए वेक्टर कंपोनेंट बराबर वन बटे टू आई वन बटे रूट टू जे इतना। एंड कंपोनेंट्स बराबर वन बाय टू वन बाय रूट टू वन बाय टू। ओके वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर इतना जोड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो गया। क्या जानते हैं जी, ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वन होता था लेकिन ये कितना होगा जी, जीरो जोड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कितना हो जाएगा ये जीरो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये कितना होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होगा, एक आम दो आम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो। क्वेश्चन है कि लेमडा और म्यू दो क्या हैं जी, स्केलर हैं, इस दोनों का वैल्यू निकालना है लेमडा का और म्यू का, कब जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो। क्या लिखोगे बोलो, ये हो जाएगा टू कैप प्लस सिक्स कैप जे प्लस सत्ताईस कैप इतना इंटू कैप आई प्लस लेमडा इंटू
कैप जे प्लस मी इंटू कैप के बराबर जीरो एम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा जी, कैप आई कैप जे कैप के फार्मूला ए वन ए टू ए थ्री 2627 क्या हो जाएगा जी, वन लेमडा म्यू बराबर जीरो, ये हो जाएगा कैप, ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे, ये हो गया 27 माइनस 2 म्यू प्लस के 2 लेमडा माइनस 6 बराबर जीरो, क्या हो जाएगा जी, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इतना माइनस 27 माइनस 2 म्यू इंटू जे जोड़ 2 लेमडा माइनस 6 इंटू के बराबर, इसको लिख दें 0 इंटू इतना 0 इंटू जे 0 इंटू के, दोनों और कंपेयर कर दो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स बिगेट क्या हो जाएगा बोलो, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर जीरो, तीन कॉमन ले लो, 3 × 6 × 27 इतना बराबर जीरो, 2 म्यू माइनस 9 लैम्डा बराबर जीरो प्लस 2 इंटू 27 2 म्यू बराबर जीरो माइनस 27 प्लस 2 म्यू बराबर जीरो 2 म्यू बराबर 27 म्यू बराबर 27 बटे 2 म्यू का मान भर दो इसमें, फ्रॉम फर्स्ट 2 म्यू के जगह पर 27 बटे 2 माइनस 9 लेमडा बराबर 0 2 से 2 साफ, ये हो जाएगा 27 बराबर 9 लेमडा, इसीलिए लेमडा बराबर 27 बटे 9 नौतिया 27 लेमडा बराबर 3 एंड म्यू बराबर 27 बटे 2 तीन वेक्टर है ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जिसका वैल्यू ये सब दिया हुआ है तो शो करना कि इतना इक्वल टू इतना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है यह डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, यही शो करना है। क्या लिखेंगे, हेयर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के प्लस सी वन आई सी टू जे सी थ्री के इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, आई आई कॉमन ले लें, बी वन प्लस सी वन जोड़
B2 प्लस C2 इंटू जे, अब क्या हो जाएगा ये B3 और C3, B3 प्लस C3 वेक्टर के, इसीलिए LHS वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा I, J, K, A1, A2, A3, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3 वेक्टर आई ए, यह ए साफ A2 इंटू B3 प्लस C3 माइनस यह B2 प्लस C2 जे A3 इंटू B1 प्लस C1 माइनस A1 इंटू B3 प्लस C3 B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 C1 देखो A2 B3 माइनस A3 B2 A2 B3 माइनस A3 B2 जोड़ A2 C3 माइनस यहाँ से हो गया माइनस A3 B1 माइनस A1 B3 जोड़ A3 C1 माइनस A1 C3 इंटू जे A1 B2 माइनस A2 B1 जोड़ A1 C2 माइनस A2 C1 देखिए कुछ नहीं किया हमने, सोचा पहले लेफ्ट में A क्रॉस B प्लस C है तो हमने पहले B प्लस C का वैल्यू एवेल्युएट किया, वेक्टर बी के जगह पर बी का वैल्यू, सी के जगह पर सी का वैल्यू, वेक्टर आई कॉमन, जे कॉमन, यहाँ से देखो यह जे कॉमन, यह के कॉमन ले लिया हम, आ गया बी प्लस सी का मान। अब पूरा लेफ्ट में जो है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म को लिख दिया, वेक्टर ए का कोफिशियंट A1 A2 A3, बी प्लस सी का कोफिशियंट ये आया, इसको लिख दिया हमने, फिर फॉर्म लगा दिया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, सोल्व किया
इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि राइट का वैल्यू वैल्यूएट करेंगे, यदि वो भी यही आ गया इसका मतलब कि दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब कि क्रॉस मल्टी जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वह ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। आरएचएस का क्या करना है भाई, नाउ आरएचएस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर आई जे के, ए का कोफिशियंट ए वन ए टू ए थ्री, बी का बी वन बी टू बी थ्री जोड़, इसका भी जी क्या हो जाएगा जी आई जे के हो गया ए वन ए टू ए थ्री, सी का सी वन सी टू सी थ्री, कुछ नहीं किया। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मेट है उसको हमने उसके तहत इसको लिख दिया, इसके तहत इसको लिख दिया, अब दोनों को एक्सपेंड करके जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस हो गया ए थ्री बी वन, ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री, के ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, जोड़ इसको देखें ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू जे ए थ्री सी वन माइनस ए वन सी थ्री प्लस के ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन हो गया। इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हो गया, इसको एक्सपेंड किया तो ये हो गया। अब देखें जरा आई आई कॉमन क्या हो जाएगा जी ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू जोड़ ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू हो गया। इसके सामने हो गया आई जे के, अब देखें जे में देखो यहाँ भी माइनस माइनस जे कॉमन ले लो क्या हो जाएगा जी ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री जोड़ ए थ्री सी वन माइनस ए वन सी थ्री प्लस के में देखें ए वन बी टू ए टू बी वन जोड़ ए वन सी टू ए टू सी वन के कंपेयर करें देखो ए टू बी थ्री ए थ्री बी टू जोड़ ए टू सी थ्री ए थ्री सी टू ए थ्री बी वन ए वन बी थ्री ए थ्री सी वन ए वन सी थ्री फिर ए वन बी टू ए टू बी वन जोड़ ए वन सी टू ए टू सी वन इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एल एच एस बराबर आर एच एस दैट इज वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जोड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। कहता है कि या तो वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, तो वैसे पोजीशन में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, मतलब कि यदि वेक्टर ए भी जीरो ना हो वेक्टर बी भी जीरो ना हो तो क्या ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है? इसके लिए आप एक एग्जांपल दें, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के द्वारा इसको आप शो करें कि वेक्टर ए वेक्टर बी जीरो नहीं हो फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। देखिए, इफ वेक्टर ए बराबर जीरो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू कैप एन। इफ वेक्टर बी बराबर जीरो दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर जीरो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू कैप एन। क्या होगा जी? इतना इंटू जीरो इंटू साइन थीटा कैप एन बराबर जीरो। कन्वर्स नाउ लेट वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड वेक्टर बी बराबर एक्स इंटू ए वन आई एक्स इंटू ए टू जे एक्स इंटू ए थ्री के देन। क्या होगा जी? पढ़े हैं कि इफ वेक्टर बी बराबर एक्स इंटू वेक्टर ए देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। क्या हो जाएगा जी? वेक्टर ए एंड देखो ना एक्स 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 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? देन वेक्टर बी बराबर एक्स कॉमन ले लेंगे ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, यानी क्या हो गया देख लो, एक्स इंटू वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी बराबर दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। सो थीटा बराबर क्या होगा जी? जीरो। नाउ लेट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू कैप एन। इसलिए क्या हो जाएगा जी? वेक्टर ए वेक्टर बी साइन जीरो डिग्री इंटू कैप एन। क्या देखा कि ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं है
तो भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो। एंड क्या पता चला जी, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो इवन व्हेन वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन है कि एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का जिसका वर्टिसेज दिया हुआ है। यह मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, निकालेंगे इसको वेक्टर ए बी दिया हुआ है वन वन टू टू थ्री फाइव वन फाइव फाइव, वेक्टर ए बी बराबर यह एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई जोड़ बाई टू माइनस बाई वन इंटू जे जेड टू माइनस जेड वन इंटू के, कितना हो जाएगा जी टू माइनस वन इंटू आई जोड़ थ्री माइनस वन इंटू जे फाइव माइनस टू इंटू के, क्या हो जाएगा जी आई टू जे थ्री के एंड वेक्टर ए सी बराबर वन माइनस वन इंटू आई प्लस फाइव माइनस वन इंटू जे जोड़ फाइव माइनस टू इंटू के, ये हो जाएगा जीरो जोड़ फोर जे जोड़ थ्री के। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी वन बाई टू इंटू, पहले ए बी ए सी निकाल दें हम लोग, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी निकाल दिया, दोनों का क्रॉस निकालेंगे। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी बराबर आई जे के, कितना जी ए बी का हो गया कितना वन टू थ्री, ये कितना जीरो फोर थ्री, कितना होगा तीन दुनी छः चार तिया बारह, फिर हो गया थ्री गुने जीरो वन गुने थ्री, जीरो माइनस थ्री इंटू जे जोड़ के हो गया फोर माइनस जीरो, ये हो जाएगा माइनस सिक्स आई माइनस माइनस प्लस थ्री जे प्लस फोर के। अब हम लोग निकाल दें, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी बराबर अंडर रूट माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर जोड़ फोर का स्क्वायर,
36 प्लस 9 प्लस 16, इसीलिए वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर एबी गुने वेक्टर एसी 1/2 रूट एक्स इतना स्क्वायर यूनिट लेलोग्राम है ऐसा ए बी सी डी ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी तो हमको इसी का हमको निकालना है एरिया क्या निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई जे के 1-1 3 2-7 1 जाएगा जी ये हो जाएगा आपको 1+21 इंटू वाई ये हो जाएगा 1-6 जे निकालेंगे 6-1 जे जोड़ के क्या हो जाएगा जी 7+2 ये हो जाएगा 20i-5j -5k इसीलिए क्या निकाल देंगे एरिया इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम Whose sides are vector A and vector B बराबर mod of vector A cross vector B 20i 5j 5k हो गया 20 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर जोड़ -5 का स्क्वायर हो गया 400 जोड़ 25 कितना हो जाएगा जोड़ दो 25 25 50 450 बराबर 225 × 2 बराबर 15√2 स्क्वायर यूनिट्स कुछ नहीं किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ था दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया और एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यही होता है कि मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल दिया इसका मॉडुलस निकाल दिया निकल गया क्वेश्चन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 हो इसका मैग्नीट्यूड इतना हो तो कहता है कि यह यूनिट वेक्टर कब होगा कि यह ए और बी के बीच में एंगल कितना हो कि यह एक यूनिट वेक्टर हो जाए देखिए चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू कैप एन एम्प्लाई
कितना हो जाएगा यह इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन, और यह क्या होगा जी यूनिट वेक्टर होगा तो इतना कितना होगा जी वन होगा। ये हो गया थ्री, ये हो गया रूट टू बाई थ्री साइन थीटा, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी ए यूनिट वेक्टर, देन इतना इक्वल टू कितना वन, थ्री से थ्री कट गया वन बाय रूट टू इक्वल टू साइन थीटा, फिर से एक बार देख लो दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, कहता है कि यदि यह यूनिट वेक्टर हो तो थीटा कितना होगा, ये क्या लगा दिया जी फार्मूला लगा दिया हमने, दोनों ओर मॉड ले लिया, इसका मॉड अलग वही हो जाएगा, इसका मॉड यही हो जाएगा साइन थीटा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर वन हो जाएगा, और यह यूनिट वेक्टर होगा कब ए क्रॉस बी यूनिट होगा कब जब इसका मैग्नीट्यूड वन होगा तब, तो क्या कर दिया इसके जगह पर वन भर दिया, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका भी वैल्यू दिया हुआ था, साइन थीटा कट गया रूट टू डिवाइड में आ गया, ये हो गया पाई बाय फोर, इस साइड गया तो इन्वर्स हो गया, जो बाहर वही भीतर इन्वर्स में पड़े होंगे पाई बाय फोर, यानी क्या होगा जी जब एंगल पाई बाय फोर हो तभी ए क्रॉस बी जो है वह एक यूनिट वेक्टर होगा। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेज हैं ए बी सी डी, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो इसका एरिया निकालना है, क्या करेंगे, लेट ओ बी ओरिजिन देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ओ ए बराबर प्लस हाफ जे प्लस फोर के पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ओ बी वेक्टर आई प्लस हाफ जे प्लस फोर के फोर के इसलिए इसी तरह का सबसे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर ओ डी बराबर यह माइनस आई माइनस हाफ जे प्लस फोर के, इसलिए वेक्टर ओ बी ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी वेक्टर आई प्लस हाफ जे प्लस फोर के माइनस 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 प्लस आई माइनस हाफ जे माइनस
फोर के क्या हो जाएगा जी, टू आई, ए कट गया, फोर के कट गया, टू आई वेक्टर ए भी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए भी बराबर टू का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए ओ डी माइनस हाफ जे प्लस फोर के ओ डी माइनस ओ ए यह माइनस में है प्लस में प्लस है तो माइनस हाफ जे प्लस है तो माइनस फोर के आई आई साफ हो जाएगा फोर के साफ हो जाएगा हाफ हाफ ये क्या हो जाएगा ये जे मॉड ऑफ वेक्टर ए डी बराबर जीरो का स्क्वायर जोड़ वन का स्क्वायर जोड़ जीरो ये हो जाएगा ना भाई जीरो इंटू ये हो गया माइनस जे माइनस जे माइनस इतना हो गया इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए डी दो गुने वन बराबर टू स्क्वायर यूनिट्स आंसर कौन हो जाएगा जी सी फिर एक बार समझाते हैं देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है सभी वर्टिसेज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो मान लिया ओरिजिन तो हो गया वेक्टर ओ ए इतना वेक्टर ओ बी इतना वेक्टर ओ डी इतना वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं जी लास्ट माइनस फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट ओ बी का वैल्यू भर दिया ओ ए का वैल्यू भर दिया इतना आ गया हमको आई आई टू आई ए कट गया ए कट गया फोर के कट गया टू आई इसका मॉडुलस निकाला तो टू आ गया ए डी या लास्ट माइनस फर्स्ट ओ डी माइनस ओ ए आ गया हमको माइनस जे आ गया मॉडुलस निकाला वन आ गया तो क्या होगा जी इसका एरिया को जोड़ देंगे हाफ हाफ होता था फार्मूला हाफ हाफ वन हो गया इसलिए सीधे ले लिए ए बी गुने ए डी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए डी दोनों का वैल्यू भर दिया आ गया हमको रेक्टेंगल का वही आ गया और इसी के साथ आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया आगे आने वालों में दिनों में जब एग्ज़ाम रहेगा तो बीच बीच में हमने रिवीजन का वीडियो लगाएंगे इसके साथ साथ जो छोड़ दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए जिसका नाम प्रत्येक टॉपिक्स का जो मिसलेनियस है वह एग्ज़ाम के समय में मिसलेनियस को करवा देंगे और इसको रिवाइज करवा देंगे आप लोग अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें तभी आपका एक कमांड होगा सिलेबस यही मेरे ओर से आपके लिए सलाह है फॉर बेटरमेंट आपका प्रैक्टिस जारी रहे थैंक्स।